से बाइज यूजिंग टैक्सी। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी टिप्स जो आपको पता होनी चाहिए आप अगर स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके टाइम और पैसों को भी बचाती हैं। तो ये कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो आपके लिए जाना बहुत ज़रूरी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं तो ये सारी की सारी ट्रिक्स आप हमेशा के लिए याद कर लेंगे, आप सीख जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे ट्रिक्स आपके लिए हमेशा काम में आएंगी लाइफ टाइम। बट दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जितने वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो पहली ट्रिक है वो ये है, हाउ टू कनेक्ट अ वाईफाई इन योर स्मार्टफोन विदाउट पासवर्ड। जी हाँ दोस्तों, बिना पासवर्ड के आप वाईफाई कैसे कनेक्ट कर सकते हैं आपके स्मार्टफोन में, तो चलिए देखते हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इस वाले फोन से वाईफाई मैं किसी और फोन में कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि पासवर्ड तो मुझे पता ही नहीं है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए जस्ट आपको जाना है सेटिंग्स में या फिर आप जा सकते हैं वाईफाई की सेटिंग में। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पर इस वाले फोन में एक वाईफाई कनेक्ट है। यहाँ पर जो मेरा दूसरा फोन है इसके अंदर फिलहाल वाईफाई मेरा कनेक्ट है। और अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है वाईफाई को मैं फॉगट करने वाला हूँ, यानी कि मैं अभी वाईफाई को यहाँ से हटा दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने वाईफाई हटा दिया है। फिलहाल मेरे इस फोन के अंदर कोई भी वाईफाई कनेक्ट नहीं है। अभी हमें क्या करना है दोस्तों, जिस फोन के अंदर भी आपका वाईफाई कनेक्ट है तो इस बात को आपको ध्यान से समझना है दोस्तों। अगर आप एंड्रॉयड 10 यूज़ कर रहे हैं या फिर MI ओप्पो वीवो का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उनके UI के अंदर भी ये फंक्शन होता है। आप जस्ट सेटिंग्स के अंदर जाएंगे उसी वाईफाई के अंदर जो भी आपका वाईफाई कनेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं एंड्रॉयड अभी 10 यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है शेयर का। तो जैसे ही आप शेयर पर क्लिक करते हैं ये देखिए, और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये है शेयर पे क्लिक करते ही ये आपसे पिन या फिर पासवर्ड मांगता है। तो यहाँ पर मैंने फिंगरप्रिंट यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, जिस भी फ़ोन के अंदर मुझे इसे वाईफाई को कनेक्ट करना है उस फ़ोन का मैं नॉर्मल एक अपना कैमरा ओपन करूँगा। तो मुझे इस वाले फ़ोन में कनेक्ट करके दिखाना है। तो जैसे मैंने कैमरा ओपन करा है ये देखिए, यहाँ पर ये ऑटोमेटिक बोल देता है स्कैन करते कि ज्वाइन करना है आपको नेटवर्क या फिर नहीं करना है। तो फिलहाल मैं इसे ज्वाइन कर लेता हूँ। और दोस्तों जैसे ही आप वापस सेटिंग्स में जाते हैं वाईफाई की, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देखिए ये अभी घूम रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। और यहाँ पर ये देखिए दोस्तों सक्सेसफुली हमारा जो है वाईफाई वो कनेक्ट हो गया इस वाले फ़ोन के अंदर। और ऐसे आप किसी भी फ़ोन में विदाउट पासवर्ड वाईफाई का पासवर्ड शेयर कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, अगर आपके फ़ोन में कोई वायरस आ जाए तो आप क्या करेंगे। तो बेसिकली गाइस मैं आपको सबसे पहले तो ये चीज़ बता देता हूँ कि आपके फ़ोन के अंदर कोई भी वायरस नहीं आता है, वो सिर्फ एक एप्लीकेशन होती है या फिर कुछ वेबसाइट होती है जहाँ पर उन्होंने ये डिज़ाइन कर रखा होता है कि आपको डरा दें और आप कोई ना कोई एप्लीकेशन कर लें या फिर वहाँ पर स्कैन पे क्लिक कर दें। फॉर एग्जाम्पल लाइक फ्री मूवीज डाउनलोड, तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है फ्री मूवीज डाउनलोड पर। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही हम क्या करेंगे, इस वाले रिजल्ट पे क्लिक करेंगे या फिर इस वाले रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पर क्लिक कर दिया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ऐसी वेबसाइट्स खुल के आ गई हैं। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, फॉर एग्जाम्पल ऐसे पे क्लिक कर दिया मैंने, तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये बहुत सारी ऐसी एडवर्टाइजमेंट होती है और हमें कंफ्यूज करा जाता है कि हम उस पर क्लिक कर दें। और फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर किसी पे क्लिक कर दिया है जरा बेस्ट मूवीज, अब मैं फ्री डाउनलोडिंग पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नया URL ओपन हो गया है और यहाँ पर देखिए एक ऐड आ गई है। अभी हमें यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि अलाउ करना है या फिर बैक आना है। तो ये जो वेबसाइट है ये हमसे परमिशन मांग रही है ताकि हम इसे अलाउ कर दें और ये बाद में हमें नोटिफिकेशन देगा। फिर वो नोटिफिकेशन इस टाइप का होता है कि आपके फ़ोन में वायरस आ गया है और आपको स्कैन करने के लिए अभी यहाँ पर ये वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये उनकी चाल होती है ताकि कोई आप एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल कर लें। तो आप इस बात का ध्यान रखिए जब भी आप कोई ऐसी वेबसाइट या कोई भी ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं जो फ्री है या बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो वहाँ पर हाई चांस होते हैं कि आपको ऐसी एडवर्टाइजमेंट वगैरह दिखाई जाएगी। तो आपको सिंपली इसे ब्लॉक करना है और सिंपली आपको यहाँ पर बैक का बटन दबाना है, यानी कि ऐसी वेबसाइट पर आपको जाना ही नहीं है। तो दोस्तों कभी भी आपके फ़ोन में कोई वायरस नहीं आएगा। और अगर आपको लगता है कि आपके फ़ोन में कोई वायरस आ गया है तो कोई एंटीवायरस वगैरह डाउनलोड मत कीजिए, क्योंकि आप फिर दूसरी गलती ये करते हैं कि आप जाते हैं डायरेक्ट आप प्ले स्टोर पे, यहाँ लिखते हैं एंटीवायरस, ठीक है, एंटीवायरस ही डाउनलोड करते हैं या फिर कोई क्लीनर करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे एंटीवायरस और क्लीनर आ गए हैं। और आप क्या करते हैं, जो इनमें से सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, फॉर एग्जांपल मुझे जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरनाक लग रहा है ये लग रहा है, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा स्कैन हो रहा है और बहुत सारा कुछ है। तो ऐसी एप्लीकेशन भी आपके फ़ोन में सारी परमिशन ले लेती हैं और बाद में वो ये दावा तो करती हैं कि एंटीवायरस हैं बट आपका डेटा भी लीक होता है और साथ ही साथ आपके फ़ोन में ऐसी एप्लीकेशन भी आ जाती है
जो बाद में बहुत प्रॉब्लम करती है। तो आपको सिंपली करना क्या है, जस्ट आप अपने फ़ोन को फॉर्मेट कर देंगे। आप जाएंगे सेटिंग्स के अंदर, आपको जस्ट अपने फ़ोन की सेटिंग के अंदर टाइप करना है फैक्ट्री। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे ऑप्शन देखेंगे, इरेज ऑल डेटा। यहाँ से आपके फ़ोन का सारा डेटा जो है वो फॉर्मेट हो जाएगा, सब सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। बट आपको फॉर्मेट करने से पहले आपको सारा बैकअप लेना पड़ेगा। अगर आप बैकअप लेना चाहते हैं अपने फ़ोन का, तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ से आप सीख सकते हैं कि फॉर्मेट करने से पहले पूरा का पूरा बैकअप कैसे लेना है और कैसे आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो दोस्तों अगले फीचर की बात करते हैं। दोस्तों जब भी हम फ़ोन यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर हम अपना फ़ोन जो है वो नाइट में यूज़ करते हैं, यानी कि 8 बजे के बाद से लेकर रात के 2 बजे तक कई लोग तो रात भर फ़ोन यूज़ करते हैं। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हम अपने फ़ोन के अंदर फॉर एग्जाम्पल अभी आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी थीम जो वाइट है, तो आप जाएंगे आप सेटिंग्स के अंदर। जैसे आप डिस्प्ले की सेटिंग्स में जाते हैं, यहाँ पर आपको एक थीम दिखेगी, जैसे कि आप देख सकते हैं डार्क थीम, इसे आप ओपन कर दीजिए। तो यहाँ पर पूरी की पूरी जो थीम है वो ब्लैक हो जाएगी। मैं आपको अपने दूसरे फोन में भी करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मेरा दूसरा फोन है और यहाँ पर आपको अगर शॉर्टकट में बताऊं तो यहाँ पर ऑप्शन ऊपर से आपको मिल जाएगा। ये देखिए, ये मैं सैमसंग का फोन यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है नाइट मोड। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं ये पूरा का पूरा ब्लैक हो जाएगा, सेटिंग्स वगैरह सारी चीजें ब्लैक आएंगी इस वाले फोन के अंदर भी। देख सकते हैं आप देख सकते हैं इस वाले फोन के अंदर भी सारी चीजें ब्लैक हो गई है और उस वाले फोन के अंदर भी सारी चीजें ब्लैक हो गई है। और दोस्तों यही नहीं, यही चीज आप व्हाट्सएप के अंदर भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप व्हाट्सएप पर जाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो फिलहाल व्हाट्सएप जो है मेरा व्हाइट है पूरा का पूरा, और जब हम इसे रात में यूज करते हैं तो हमारी आंखों पे इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। आप जाइए सेटिंग्स में और आप जाइए इसकी चैट्स में। चैट में जाने के बाद यहाँ पर आपको थीम दिख जाएगी। तो फिलहाल ये डिफॉल्ट है, इस पे क्लिक करके आप लाइट कर सकते हैं या फिर आप इसे डार्क कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसे डार्क करता हूँ, ये देखिए पूरा व्हाट्सएप भी हमारा ब्लैक हो गया है। तो दोस्तों यही चीज आप यूट्यूब के ऊपर भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारी जितनी भी पॉपुलर एप्लीकेशन है सब पर अभी फिलहाल जो है डार्क थीम आना स्टार्ट हो गई है। ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, कुछ भी हो। तो अभी जैसे आप YouTube देख सकते हैं, यहाँ पर मैं गया इसके सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में जाने के बाद जनरल पे गया। जनरल के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक थीम दिख जाएगी। बेसिकली गाइस, मेरे इस वाले फोन के अंदर मैंने YouTube को एप्लीकेशन को अभी अपडेट नहीं कर रखा है, तो इसलिए वो यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। बट जैसे मैं यहाँ पर इसे अपडेट करता हूँ, ये देखिए YouTube को जैसे मैंने क्लिक किया है, यहाँ पर जैसे मैं इसे अपडेट करता हूँ, आप चाहे Instagram यूज कर रहे हो या फिर WhatsApp यूज कर रहे हैं, एक बार उसे अपडेट जरूर कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए कि उसकी अपडेट आ रही है या फिर नहीं आ रही है, और उसके बाद आप यहाँ से डार्क थीम यूज कर सकते हैं। दोस्तों हमेशा ये ध्यान रखिए कि कभी भी अगर आप फोन को नाइट में यूज करते हैं तो डार्क थीम पर चलाइए। उसके बाद मैं आपको ऑप्शन और दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं अभी हूँ डिस्प्ले की सेटिंग्स के अंदर, अभी मैं सैमसंग का फोन यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने डार्क थीम ऑलरेडी जो है अप्लाई करी हुई है। अब मैं वापस जाऊंगा डिस्प्ले की सेटिंग्स में, तो यहाँ पर आपको एक चीज और दिख जाएगी, ब्लू लाइट फिल्टर। इसे भी आप ऑन करके रखिए और इस पे क्लिक कर दीजिए, जो इसकी डेंसिटी है यानी कि ओपेसिटी, इसे फुल करके रखिए जब भी आप नाइट में फोन यूज करते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका जो हल्का फुल्का भी जो व्हाइट कलर जो अभी डिस्प्ले पे बचे हुए हैं वो भी हल्के से वार्म हो जाएंगे, जो आपकी आंखों पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगा उससे। और अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप अपनी सेटिंग्स में जाके इसे ढूंढ सकते हैं, ये 100% आपको मिल जाएगा। हालांकि इसका वो नाम अलग हो सकता है, कई दफ़ा ये आपको मिलेगा आई प्रोटेक्शन या फिर कई बार आपको मिल जाएगा ये नाइट मोड, ऐसा करके आपको कहीं ना कहीं ये मिलेगा ज़रूर। और हमेशा ये ध्यान रखिए कि इसे आप ज़रूर यूज़ करें। दोस्तों अगले फीचर की बात करते हैं। जब आपका दोस्त या फिर कोई रिलेटिव आपसे फ़ोन मांगता है और वो आपसे कहता है कि सिर्फ मुझे यूट्यूब चलाना है, बट वो यूट्यूब बंद करके आपके फ़ोन में बहुत अदर एप्लीकेशंस में बहुत आपका डेटा वगैरह चेक करता है। दोस्तों ऐसा आपके साथ हमेशा होता है कि आपसे कोई ना कोई फ़ोन मांगता रहता है कि उसे कुछ एप्लीकेशन चलानी है, बट वो उसे छोड़ के आपके फ़ोन में कुछ और चेक करना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको दिया है यहाँ पर गूगल क्रोम, ठीक है। तो गूगल क्रोम पे आपने मान लीजिए यहाँ पर आपने मुझसे बोला है कि आपको सिर्फ गूगल यूज़ करना है, ठीक है, कुछ आपको सर्च मारना है, बट आप इसे यहाँ से बैक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा होम स्क्रीन आ गया और आप कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पर पूरे फ़ोन में से यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको जाना है सिर्फ और सिर्फ सेटिंग्स के अंदर। ये देखिए सेटिंग्स में जाने के बाद ये जो ऑप्शन है ये होता है पिन के नाम से, सैमसंग के फोन में पिन विंडो के नाम से होता है या फिर अदर फोन में आपको मिलेगा ये स्क्रीन पिन के नाम से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सेटिंग्स में सर्च किया है पिन, मेरे फोन में दोस्तों ये जो ऑप्शन आता है ये आता है पिन विंडो के नाम से सैमसंग के फोनों में। तो यहाँ पर इसे आपको ऑन करना है, तो फिलहाल तो मैंने इसे ऑन कर रखा है, ये देखिए नीचे मैंने ऑन कर रखा है। तो अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं वापस गया गूगल क्रोम पर और आपने मुझसे फोन मांगा है कि आपको गूगल क्रोम यूज करना है,
तो दोस्तों अब क्या होगा, मान लीजिए आपने मुझसे फोन मांगा है कि आपको गूगल क्रोम यूज करना है या फिर कोई भी एप्लीकेशन यूज करनी है, कैलकुलेटर हो गया, गैलरी हो गई, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आपको फोन देने से पहले तो अब मैं सिर्फ इस पे क्लिक करूंगा, रिसेंट ऐप पे क्लिक करूंगा। जब ये रिसेंट ऐप आ जाती है तो यहाँ पर इसके आइकन पे क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन खुलने के बाद यहाँ पर सबसे नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं पिन दिस ऐप का आपको एक ऑप्शन दिख रहा है। तो दोस्तों फिलहाल जो है हमारी पिन ऑन हो गई है एप्लीकेशन पर, यानी कि गूगल क्रोम पर अभी हमने इसे पिन करा है और ये हमारी स्क्रीन के साथ पिन हो गई है। बट इसे हमें ऑफ करने के लिए ये और ये यानी कि रीसेंट ऐप और बैक बटन को एक साथ प्रेस करके रखना होगा, तो ये हमारा हम हटा सकते हैं। जैसे मैंने ओपन करा है, अब फिलहाल क्या होगा आप देख सकते हैं ऐप पिन करके यहाँ पर लिख कर आ गया है। अब यहाँ पर होम पर अगर मैं बैक करता हूँ या फिर कुछ भी करता हूँ, ये देखिए, तो एप्लीकेशन जो है ये बैक नहीं होने वाली। अगर मैंने इसे जबरदस्ती भी बैक करना चाहा, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, तो ये बैक नहीं होगी, यहाँ पर ये मैसेज आपको दिखाई देगा। तो अगर आपका दोस्त इसे जबरदस्ती बैक करता है दोनों बटन दबा के, तो दोस्तों मेरा फोन जो है फिलहाल अब लॉक मोड में चला गया है, ये देखिए। यानी कि अगर मैं अपने फोन में किसी को कोई एप्लीकेशन चलाकर देके जाता हूँ और वो पर्सन अगर जबरदस्ती फोन की उस एप्लीकेशन से बाहर आकर फोन में कुछ और ढूंढता है, चलाना चाहता है, तो मेरा फोन ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। दोस्तों ये ट्रिक जो है हमेशा आपके काम में आएगी। दोस्तों अगला जो मैं आपको टिप्स बताने वाला हूँ ये कॉन्टैक्ट से जुड़ी हुई है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं मेरे फोन के अंदर जो कॉन्टैक्ट है यहाँ पर लगभग है 750 के आसपास, आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको अपने कॉन्टैक्ट कभी भी सेव करने हो तो इसके लिए ना तो आपको जीमेल की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी और एप्लीकेशन की। साथ ही साथ मैंने कई बार ये भी देखा कि लोग जो हैं वो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट भेज देते हैं अपने दूसरे नंबर पर या फिर किसी दूसरे अपने फ्रेंड को और वापस उनसे वो नंबर जो है फॉरवर्ड करवा लेते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे आसान तरीका आपको बता देता हूँ अपने नंबर को जो है सेव करने का या फिर बचाने का। तो दोस्तों अगर आप इन सारे के सारे नंबर को जो है सेव करना चाहते हैं तो आपको इन तीन बटन पे क्लिक करना है, सेटिंग्स पे जाना है। ये जो ट्रिक है ये हमेशा आपको सारे के सारे फोनों में सेम मिलने वाली है। आप जाएंगे जैसे थोड़ा सा नीचे तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो दोस्तों बेसिकली इंपोर्ट का मतलब यही होता है कि कॉन्टैक्ट्स आपको कहीं से इंपोर्ट करने हैं, मंगाने हैं। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि आपको कॉन्टैक्ट्स कहीं भेजने हैं। तो मुझे अभी क्या करना है, मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी जो लोकेशन इसने सेलेक्ट करी है फिलहाल मेरे फोन में, वो डाउनलोड वाले फोल्डर में जो है इस नाम से मेरे कॉन्टैक्ट जो है सेव हो जाएंगे। तो फिलहाल मैं अपनी इस फाइल को VCF फाइल को जो सेव करने वाला हूँ इस नेम से, तो मैं जैसे सेव करूंगा यहाँ पर जो मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं ये देखिए ये एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गए। दोस्तों ये एक्सपोर्ट होने के बाद आपको कहाँ मिलेंगे, आपको सिंपली फाइल मैनेजर के अंदर जाना है क्योंकि मेरे फोन में डाउनलोड में ही इसने एक्सपोर्ट करे हैं। और जरूरी नहीं कि आपको डाउनलोड में मिलेंगे, आपको ढूंढना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो .vcf वाली फाइल है वो कहाँ पर आप पहुंच गई है। तो आप देख सकते हैं मेरे 750 कॉन्टैक्ट थे लगभग, और यहाँ पर जो टेस्ट 1 वाली जो फाइल है तो आप देख सकते हैं इसका जो साइज है वो सिर्फ है 152 KB। दोस्तों ये बहुत ही कम साइज है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसे डायरेक्ट किसी भी जीमेल पे हम भेज सकते हैं, यानी कि ये अटैचमेंट में आपको मिलेगी। साथ ही साथ इसे हम कॉपी भी कर सकते हैं अपने मेमोरी कार्ड के अंदर। तो कॉपी के बाद आपको जस्ट मेमोरी कार्ड में जाने के बाद आपको पेस्ट करना है। तो दोस्तों मैं अब आपको इसे इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने अभी क्या करा है, यहाँ पर मैंने अपने सारे के सारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं और मैं अभी आपके सामने इन्हें डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए वहां पर जाना है जहां पर आपके पास ये फाइल पड़ी हुई है। तो फिलहाल मेरे पास जो फाइल है ये रही टेस्ट 1 वाली, इस पर क्लिक कीजिए और ये दिखा रहा है कि आपको इसे ओपन विद किसके साथ करना है। तो हम कॉन्टैक्ट्स पे सेलेक्ट करेंगे, जस्ट 1 कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं सारे के सारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं ये हमारे इंपोर्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। आशा करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए और सब्सक्राइब माई चैनल ताकि ऐसी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिलते रहे। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, बाय फॉर नाउ, सी नेक्स्ट टाइम।